हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूखे नारियल से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूखा नारियल लिया है, तो इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद हमने यहाँ पर पैन लिया है। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें सूखा नारियल डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। इसमें हम घी का कम यूज़ करेंगे क्योंकि नारियल में भी ऑयल होता है और पकने के बाद नारियल भी अपना ऑयल छोड़ता है। तो चलिए इसको 10 मिनट तक पका लेते हैं लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, हाई फ्लेम पे हमारा जो नारियल है वो जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम नारियल में 1/2 लीटर दूध का यूज़ किया है। तो दूध डालने से एकदम सॉफ़्ट हो जाएगा और जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ़्ट बनेगी खाने में। तो देखिए 1/2 लीटर दूध हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम हाई फ्लेम पर अब पकाएंगे। इसको हमें जब तक पकाना है जब तक दूध हमारा जो है वो जल ना जाए और एकदम ड्राई हो जाएगा, तब तक हम इसे पकाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं व्रत में या वैसे भी जब भी आपका मन करे। तो ये देखिए दूध हमारा जो अच्छे से उबलने लगा है। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ये अच्छी लगेगी। तो इसको चीनी को हम मेल्ट होने देते हैं और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए चीनी भी पानी छोड़ देती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा पकने में। और ये देखिए अच्छे से पकने लगी है। तो बिल्कुल हमें दूध को सुखा देना है। और यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और मलाई से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए मलाई को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे ताकि जो रेसिपी है हमारी वो बहुत ही टेस्टी लगे खाने में और बिल्कुल मावे जैसा इसमें टेस्ट आए। तो बस 10 मिनट इसको हम और पकाएंगे हाई फ्लेम पर, तो हमारी रेसिपी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी में टाइम तो लगता है लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना आप भी। और ये देखिए बिल्कुल हमारा जो है दूध वो बिल्कुल सूख चुका है और बर्फी बनने के लिए हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली को ग्रीस करके रखा हुआ है, तो इसको हम डाल देंगे थाली में। और थाली में डालने के बाद इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको फैला के हम एकदम प्लेन कर लेंगे ताकि जो बर्फ़ी है हमारी वो अच्छे से कट जाए और देखने में बहुत अच्छी लगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको फैला लिया है और अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको फैला दिया है और अब इसको हम रख देते हैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में। तो 2 घंटे बाद देखिए हमारी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इसको स्क्वायर शेप में काटूंगी, आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट कट रही है। तो जो नारियल हमारा वो पकने के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है इस बर्फ़ी का। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए मैंने निकाल के दिखाया आपको, बहुत ही अच्छे से निकल भी रही है। तो फ्रेंड्स, ट्राई करना इस रेसिपी को और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।